आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है LDO। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपको थोड़ा अपने सेंटर के बारे में बता दें। हमारे सेंटर का नाम JG इंस्टीट्यूट है, जो दिल्ली तिलक नगर में है। अभी वहाँ सिर्फ हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग की क्लासेस चला रहे थे, लेकिन अब हम वहाँ पे लैपटॉप रिपेयरिंग की क्लासेस भी चला रहे हैं, जो मार्च एंड से स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर किसी को लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो वो हमारे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकता है और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की जो क्लास है वो LDO, तो इसी बात करेंगे, ठीक है। तो LDO क्या होता है और इसे कैसे चेक करेंगे। LDO एक लो वोल्टेज ड्रॉप आउट रेगुलेटर है। ये 3 वोल्ट ऑलवेज की सप्लाई प्रोवाइड करती है और इसे IC को मदरबोर्ड में 3 वोल्ट सप्लाई रेगुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इस IC से LDO 3 वोल्ट की सप्लाई जो है वो पिन नंबर 5 से रेगुलेट होती है, और ये सप्लाई मदरबोर्ड के कुछ कंपोनेंट के लिए जाती है, जैसे कि आपकी IO IC, ठीक है। और आपकी जो IO IC की जो VCC पिनें होती हैं वो भी इससे कनेक्टेड होती हैं। 3 वोल्ट LDO से जब हम इस IC को ऑर्डर मिलता है, तब यह IC 3 वोल्ट LDO निकालती है और LDO IC की पिन नंबर 7 और 8 जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं आपकी बैटरी प्लस और 19 वोल्ट की सप्लाई से। जो पिन नंबर 9 है वो आपकी ग्राउंड से कनेक्टेड होती है, और बाकी जो पिनें होती हैं वो फीडबैक, बूट, स्टार्टअप सिग्नल के लिए यूज़ होती हैं। अगर IO IC पे 3 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है तो IC की पिन नंबर 5 पे 3 वोल्ट LP की सप्लाई चेक करेंगे, और बैटरी सप्लाई 12 वोल्ट और 19 वोल्ट की भी सप्लाई चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये सारी सप्लाई ना हो तो फिर मल्टीमीटर से चेक करेंगे, करने पर 3 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है तो फिर हम 19 वोल्ट की बैटरी की सप्लाई चेक करेंगे कि वहाँ पे सप्लाई IC को मिल रही है कि नहीं मिल रही, सब IC रेगुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, चेक करेंगे। तो अगर ये IC को सप्लाई नहीं मिल रही है तो फिर IC को हम फॉल्टी होगी और उसे हम चेंज करेंगे। IC चेंज करने के बाद हम पिन नंबर 5 पर फिर से 3 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे, और ये LDO की सप्लाई IO IC को मिलेगी और IO IC इनेबल का सिग्नल निकालेगी, जो IC की पिन नंबर 1 पर मिलेगी, ठीक है। अगर 3 वोल्ट ऑलवेज की सप्लाई नहीं मिल रही है तो IO IC को चेक करेंगे, हो सकता है कि IO IC ख़राब हो या 3 वोल्ट की सप्लाई उस पर पहुंच नहीं रही हो। तो फिर क्या करेंगे, तो हम 3 वोल्ट LDO सप्लाई चेक करेंगे। अगर 3 वोल्ट LDO की सप्लाई नहीं मिलेगी तो पिन नंबर 1 पर 3 वोल्ट इनेबल का सिग्नल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इस कंडीशन में LDO IC ख़राब हो भी हो सकती है, जैसा कि कंडीशन है। अगर सिर्फ 3 वोल्ट ऑलवेज की सप्लाई नहीं मिल रही है तो उसमें हम पाथ में, हो सकता है उसकी पाथ में कोई शॉर्टिंग होगा तो उसको फिर हम चेक करेंगे। अगर IC पर 3 वोल्ट ऑलवेज की सप्लाई निकलती है, ठीक है, अगर इतना सब चेक कर लिया आपने, शॉर्टिंग भी हमने आपको बता दी इसी में, और हमने भी बता दिया कि क्या होगा, क्या किस कंडीशन में क्या होगा, ये सारा कुछ हम आपको साथ के साथ बताते जा रहे हैं, ठीक है। इतना सब होने के बाद अगर IC 3 वोल्ट ऑलवेज की सप्लाई निकालती है तो पिन नंबर 2 से PG का सिग्नल यानी पावर ग्रिड का सिग्नल निकलेगा, जो IO IC पे जाएगा और IO IC को यह कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, कि 3 वोल्ट ऑलवेज की सप्लाई सही है। तो ये छोटा सा टॉपिक था आपका LDO पे, कि LDO कैसे वर्क करता है और कैसे सप्लाई जाती है और कैसे उसकी टेस्टिंग चेक कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन होगी, किस कंडीशन में क्या होगा, ये सब हमने इस छोटी सी वीडियो में ये सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमसे लैपटॉप रिपेयरिंग सीखने के लिए एक बार फिर आप हमारे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।